हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन क्लास 11 ज्योग्राफी. दिस इज चैप्टर 9 और बुक नंबर 1, फिजिकल फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी. सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर. एज यू कैन सी इन द गिवन मैप और इन डायग्राम दैट आर अर्थ इज टिल्टेड एट 66.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस. मीन्स आर अर्थ इज नॉट एट ऑन अ स्ट्रेट फॉर्म, इट टिल्टेड on its axis at the degree of 66.5. So in this way, the angle of sun is different at different surface of the earth. यानी earth के अलग अलग areas में sun की जो ridges हैं वो अलग अलग होंगी. बिल्कुल straight ridges equator और उसके आसपास के areas में होगी, और जैसे से equator से हम north pole की side या south pole की side जाते जाएंगे, radiation slant होते जाएंगे as well as area भी बड़ा होता जाएगा, जिससे टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वेटर से पोल्स की साइड डिफरेंट फॉर्म में वेरिएशन करेगा. नाउ हियर वी कैन सी, अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, रोटेट भी करती है अपने एक्सेस पर जो 66.5 डिग्री पर टिल्टेड है, एज वेल एज सन के चारों तरफ हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है. जिस पाथ पर ये रिवॉल्व करती है, दिस पाथ इज इलिप्टिकल. इस पाथ को हम इलिप्टिकल बोलते हैं, यानी इलिप्टिकल पाथ पर ये रिवॉल्व करती है अर्थ सन के चारों तरफ. व्हेन देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एपीहीलियन. यानी कि जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एपीहीलियन. एंड दिस हेल्ड ओवर द 4th of July एवरी ईयर. इसी पाथ में जब अर्थ और सन, यानी कि अर्थ सन को रिवॉल्व करते करते जब मिनिमम डिस्टेंस पर आती है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम पेरिहीलियन. एंड दिस हेल्ड ओवर 3rd of January एपीहीलियन. द हैपन ऑन 4th of July एंड द पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एपीहीलियन. द पेरिहीलियन हेल्ड ऑफ 3rd of July, डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ इज मिनिमम. Annual insolation received by the Earth on 3rd January is more than the amount of 4th of July. क्योंकि 3rd January minimum distance है, इसीलिए यहाँ पर वो जो पूरे ईयर का यानी annual जो receive करती है insolation, वो 3rd January को ज़्यादा होगा except of 4th July. Now we'll see the solstice. Solstice basically एक Latin word है जो सोलस्टम से लिया गया है, और जिसका मीन होता है सन एंड स्टिटम. मीन्स सन का जो स्टैंड स्टिल है, सन एक कम्प्लीटली जहाँ पर सन की पोजीशन स्टैंड होती है, दैट इज़ कॉल्ड सोलस्टिक. देर आर टू काइंड ऑफ सोलस्टिक, समर एंड विंटर. समर सोलस्टिक्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं और विंटर सोलस्टिक सदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं. जनरली समर सोलस्टिक 21st or 22nd June को आते हैं, और विंटर सोलस्टिक जो है वो 21st or 22nd December को आते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में. आउटसाइड ऑफ द ट्रॉपिक्स द मैक्सिमम एलिवेशन अकर एट द समर सोलस्टिक एंड द मिनिमम एट द विंटर सोलस्टिक. द पाथ ऑफ द सन एलिप्टिकल फॉर्म स्वेप्स नॉर्थ एंड साउथ बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. So as I already explained to you, suppose this is the earth, this is equator. So sun की जो position है वो equator से Tropic of Cancer और equator से Tropic of Capricorn के बीच में swipe करती रहती है. And this is the formation of the different kind of solstice. और इसी वजह से solstice का formation होता है. Summer time पर sun का जो position होता है वो Tropic of Cancer के सामने होता है, this is summer solstice. और winter टाइम में ये सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, दिस इज द विंटर सोलस्टिक. द डेज आर लॉन्गर अराउंड द समर सोलस्टिक्स एंड द शॉर्टर अराउंड द विंटर सोलस्टिक. समर सोलस्टिक यानी कि सन जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, समर सोलस्टिक्स टाइम डे बड़े होंगे और नाइट छोटी होंगी. और जब विंटर सोलस्टिक्स होगा, यानी कि जब सन सदर्न हेमिस्फेयर में होगा, तो उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेज स्मॉल होंगे और नाइट्स लॉन्ग होंगी. Ionix, Ionix is commonly regarded as the instant of time when the plane of Earth equator passes through the center of the Earth. It means equinox वो position है जब equator के बिल्कुल सामने क्या होता है, sun की position होती है. This occurred twice each year. Earth year में दो बार ये situation आती है, एक तो 20 या 21st March के आसपास, और एक second 22nd या 23rd September के आसपास.
So in other words, we can also explain this thing. So it is a moment at the center of the visible sun is directly above the equator. यानी कि इक्वेटर के जस्ट सामने जब सन का पोजीशन होगा, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पोजीशन होगा सन का, दिस इज कॉल्ड समर सोलस्टिक. और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की पोजीशन होगी, दिस इज कॉल्ड विंटर सोलस्टिक. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन जो है वो स्वाइप करता रहता है. सोलर रेडिएशन, आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू द सोलर रेडिएशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सर से आने वाला रेडिएशन. सन से आने वाला जो रेडिएशन है एमिटेड फ्रॉम द सन इज फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ एंड कॉल्ड सोलर रेडिएशन. सन से आने वाली जो रेडिएशन हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में होती है और इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है. दे कॉल्ड एज इंसुलेशन. वेन दे रीच टू द अर्थ सर्फेस, जब ये रेडिएशन अर्थ की सर्फेस पर आते हैं, सो आफ्टर सम टाइम द अर्थ इज ऑल्सो एक्टेड एज अ रेडिएंट बॉडी. थोड़े टाइम के बाद अर्थ इन सन रेजेस को लेकर एक खुद रेडिएटिंग बॉडी की तरह वर्क करने लगती है, जिससे भी डिफरेंट वेव्स ट्रांसमिट होने लगती हैं. दीज वेव्स और रेडिएशन कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. इनकमिंग सोलर जो रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ में होता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होते हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ होते हैं. इट मीन्स जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी. सो इन दिस वे वी कैन से कि इंसुलेशन की एनर्जी ज़्यादा और वेवलेंथ कम, और टेरेस्ट्रियल की एनर्जी कम और वेवलेंथ ज़्यादा होती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर द सोलर कॉन्स्टेंट एंट्री पॉइंट इन टू एटमोसफेयर एंड इंटेंसिटी. द एटमोसफेयरिक एरिया 8000 किलोमीटर, अर्थ डायमीटर एज दिस इज द पोजिशन ऑफ सन रेजेस और एरिया कवर्ड. पासिस इन्वॉल्व इन हीटिंग एंड एटमोसफेयर. देर आर थ्री काइंड ऑफ हीटिंग प्रोसेस ऑफ द एटमोसफेयर. जनरली इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है यानी सन से आने वाला जो रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस को हीट अप करता है. अर्थ सरफेस के यानी अर्थ को एनर्जी देने के लिए सफिशिएंट है, बट एटमॉस्फेयर इससे वार्म अप नहीं होता. सो एटमॉस्फेयर बेसिकली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वार्म होता है और थ्री प्रोसेस के थ्रू वार्म होता है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड एडवेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द कॉन्वेक्शन. द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू राइजिंग ऑफ वार्म air and shrinking of cold air is called convection. This current of moving air is called convection current. So generally जो rise up waves हैं और जो heat को transfer करती हैं from low level to upper level, they called as convection currents. Then conduction. Conduction is the transfer of heat when between two bodies. Conduction में two bodies का contact में आना बहुत ज़रूरी है और वो unequal temperature की होनी चाहिए. When they are in contact with another, the flow of energy from warmer to the colder body. So the transfer continue until both body maintain the same temperature. Air gets heated and slowly and it hit the upper layer of the atmosphere. This process is called as conduction. Advection. The third process is advection. This is the horizontal transfer of the heat. In middle latitudes, variation in the day weather is caused the advection alone. It is opposite to process of convection in term of direction or flow. So we can say the horizontal transfer of heat is called as advection, or the vertical transfer of heat called as convection. Here you can see the different process of advection, evaporation, convection, conduction, different process you can see by this picture. Factor responsible for the difference of the insulation at the surface of the earth. As we just saw in the first diagram that at the different places of the earth, each and every area is not receiving the same quantity of the insulation. So it varies. So what factor affected? First of all, rotation of the earth. As I told you that earth is tilted at the 66.5 degree on its angle and it rotated. Then revolution of the earth surface, the earth is revolve around the sun, so it revolve 22nd June called the summer solstice when the sun ray are vertical at tropic of cancer.
result which there is a summer in the northern hemisphere or winter in the southern hemisphere. Then at 22nd December, called the winter solstice, when sun rays vertical to the Tropic of Capricorn, southern hemisphere, as a result which there is a winter season in north and summer in the southern hemisphere. March 21st and September 23rd, when the sun is straight at the equator, days and nights seems to be equal these 2 days. These two called as equinox. Next, third point is inclination of sun rays. Sun rays ka jo bhi inclination angle hoga, so it rays are vertical, it cover less area but net energy, as you can see in the diagram, heat the earth in a sleep angle very intensive. So direct radiation chahe small area ko cover karenge, lekin unki heat intensity zyada hogi, very intensive. Jabki jo tilted ya slanted radiation hai, although wo ek long area ko, ek large area ko cover karenge, but unki jo heat intensity hogi wo kafi kam hogi. You can see the different solstices, June, equinox, arctic circles and at different areas. Then third is length of the day. As you know, length of the days differ from area to area, from equator to no poles, from northern pole as well as south pole. So whatever the length of the day is long, radiation received by the area is more, or when the length of the day is less, the radiation received by the area is less. So in this way, it also varies variation for the temperature. Then latitudes of place at high latitude like polar area receive less insolation, middle latitude receive high insolation. Distance from the sea, earth move around sun in an elliptical orbit. So earth is nearest to sun at 3rd of January and distant or farthest at 4th of July. So this is also the distance of earth and sun factor, responsible factor for variation in the temperature. Impact of land and water. So specific capacity of water in 5 minutes more than land. It means that if some energy is provided to water as well as land, land would get heated as well as cool easily and compared to water. So in this way we can say land become heat up fast as well as cool up fast. Water in turn take 5 times more energy to heat as well as cool down. Therefore, area on the earth surface where portion of land is more will get heated more and will generate more insolation. So areas with less proportion of the land will have less insolation. Heat budget of the earth surface. As we already discussed this thing, that the radiations come on the earth surface in short wavelength and they reflected from the earth surface in the long wavelength. So insolation, the short wavelength, and terrestrial radiation, long wavelength. So suppose 100 units jo insolation receive karti hai earth surface in different form, so different form mein bhi unko transmit kar deti hai atmosphere mein, aur is tarike se earth par jo heat ka budget hai wo balancing form mein rehta hai. You can see the diagram and you can understand this thing. Temperature is varies from area to area and different factors which affect the temperature. First of all, latitude, equatorial region receives the highest rain insolation and the poles receive the minimum. Then altitude, height of the place, as we move from bottom to upper area at the 1 degree Celsius with increase in 6.25 meters, yani 6.25 meter ki height per 1 degree temperature decrease hota hai. This is the normal collapse rate of the temperature. Nature of land surface, land or water ka distribution also affected. Distance from sea, as you can see, distance from sea also responsible for the sea breeze and land breeze. Ocean currents also affect the where we can see that Gulf Stream, like warm current, when they move at the particular coast, like coast of USA and Europe, so it also influences the cold ocean currents, Labrador and other, Canada and other coasts.
Prevailing winds also affect the temperature at particular area. Chinook is warm wind moving down from the Rockies mountain of North America and increase the temperature of the area and passes. Low is warm blowing the area of Punjab and Haryana and increases temperature. So in this way, Sirocco is a warm wind blowing from Sahara Desert and raises the temperature there. So in this way, wind also affect the temperature of any area. Difference between insulation and temperature. Insulation is heat energy which make thing hot. Temperature is the measure of calculating the degree of hotness and coldness of the body. Insulation is a cause and temperature is the effect. It is measured in the calories, whether the temperature measured in the Celsius or Fahrenheit. Distribution of temperature. Distribution of temperature means the equal temperature, the isotherms are lined, joint place with equal temperatures. These are imaginary lines, so isotherms, the equal temperature area joined by which imaginary line, they called as isotherms. As you can see, the different isotherms at July, isotherms in the month of January. Inversion of temperature. Generally, we can say that temperature is reduces when we move from lower area to higher area. But in the inversion of temperature, in this change, in the temperature will increase with the height is called inversion of temperature. Actually, normally temperature is decreases when we increases height, but in inversion, the temperature is increases when increases. It occur due to long nights, long cold nights, clear sky and dry air. When these things happen, there is a inversion in the temperature. Means normally there is normal lapse rate when we increase height, but in inversion of temperature, when we move height or when we increase height, temperatures also increases. Thank you.